नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अक्षय राणा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत और इससे जुड़े कई अन्य रहस्यों के बारे में और कुछ अजीब बातों के बारे में जिन्हें इंसानों के लिए समझना मुश्किल है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मेरा वादा है आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप उतने ही जिज्ञासुक और आश्चर्यचकित होते जाएंगे। तो भगवान शिव का नाम लेते हुए चलते हैं अपने इंट्रो की ओर। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के रहस्य को लेके आज हम 10 अलग अलग पॉइंट्स को लेके बात करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है अलग अलग धर्मों की कैलाश पर्वत में मान्यता। कैलाश पर्वत चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत में स्थित है। यह पर्वत हिंदू, जैन, बौद्ध और बोन धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है। जहां हिंदू या सनातन धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, वहीं बुद्धिज्म में इसे भगवान बुद्ध का निवास स्थान माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार उनके धर्म संस्थापक ऋषभनाथ को इसी पर्वत पर तप करके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म के अनुसार इनके धर्म संस्थापक शैनराब स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर ही उतरे थे। इन्हीं कारणों से कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थान माना गया है। इसी के साथ बुद्धिज्म और हिंदू धर्म में इसे स्वर्ग और धरती के बीच की सीढ़ी भी माना जाता है। जहां बुद्धिस्ट लोग इसे मेरु पर्वत का भौतिक रूप मानते हैं, वहीं हिंदू धर्म में पांडव जिस सुमेरु पर्वत पर चढ़कर स्वर्ग गए थे उसे वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत ही बताया गया है। पॉइंट नंबर 2, क्या कैलाश पर्वत दुनिया का केंद्र बिंदु है? हमारी धरती के एक और दक्षिणी और दूसरी ओर उत्तरी ध्रुव है। इन दोनों के बीच स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वतों का केंद्र कैलाश पर्वत को माना जाता है। इसी कारण कैलाश पर्वत को धरती के केंद्र में माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत धरती के बीच में स्थित है, जिसे वैज्ञानिक एक्सिस मुंडी के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब है धरती की नाभि। इंग्लैंड का ऐतिहासिक स्थल स्टोनहेंज यहां से 6,666 किलोमीटर की दूरी पर है और नॉर्थ पोल भी पर्वत से 6,666 किलोमीटर की दूरी पर है और साउथ पोल की दूरी बिल्कुल दोगुनी है, जो पर्वत से 13,332 किलोमीटर की दूरी पर है। पॉइंट नंबर 3, कैलाश पर्वत एक अजय चोटी। कई साहसी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया है, पर भगवान शिव के इस निवास स्थान पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र पर्वत की दिव्यता के साथ दखल अंदाजी करना वर्जित है। जिसने आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की उसको बेहद खराब मौसम का, ऑक्सीजन की कमी का, गलत दिशा में बढ़ना या गुमराह कर देने वाले रास्तों पर जाने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि सबसे मजबूत पर्वतारोही भी इस पर नहीं चढ़ सके हैं। जबकि माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर होने के साथ वह सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर कई हजारों लोग जा चुके हैं, पर कैलाश पर्वत जो कि 6,656 मीटर ऊंचा है, इस पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर सका है, जिसके साथ इसकी चोटी आज तक भी अनदेखी है और अजय है। पॉइंट नंबर 4, मानसरोवर ताल और राक्षस ताल का रहस्य। कैलाश पर्वत के पास दो पवित्र झीलों मानसरोवर और राक्षस ताल का घर है। ये दो प्राचीन झीलें कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर ताल पवित्रता और अपने आकार के कारण गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। इसका आकार सूर्य के समान है, जबकि माना जाता है कि राक्षस ताल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण द्वारा की गई तीव्र तपस्या के कारण उभरा है, जो नमकीन पानी से भरा हुआ है और आकार में आधे चंद्रमा जैसा है। ये दो झीलें रोशनी और अंधेरे तथा सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को दर्शाती हैं। हर साल कई श्रद्धालु मानसरोवर की तीर्थ यात्रा करते हैं और बीमारियों से बचने एवं पाप मुक्त होने के लिए इसका जल ग्रहण करते हैं तथा इसकी पूजा करते हैं। पॉइंट नंबर 5, क्या कैलाश पर्वत पर समय अलग गति से बहता है? भगवान शिव के कैलाश का एक और आश्चर्यजनक तथ्य है समय यात्रा, जो बताता है कि पर्वत की हवा बेहद ही शक्तिशाली है, जो मनुष्य की उम्र बढ़ने की गति को तेज कर देती है। और इस समय यात्रा के दावे का एक साइबेरिया के पर्वतारोहियों की टीम की कहानी समर्थन करती है, जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने आए थे। उन पर्वतारोहियों की कहानी बेहद ही जिज्ञासापूर्ण तथा साथ ही साथ डरावनी है। एक बार जब साइबेरियन पर्वतारोहियों की एक टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रही थी, तो एक जगह पहुंचने के बाद अचानक ही उन सबकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी, जिससे डरकर उन्होंने पर्वत की चढ़ाई रोक दी और घर जाने का फैसला किया। पर वहां से जाने के बाद भी उनकी उम्र बढ़ती रही और 1 से 2 साल के अंतराल में उन सबकी बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई। यही नहीं, यहां आने वाले श्रद्धालुओं का भी मानना है कि उनके नाखून और बाल बढ़ने की गति कैलाश पर आकर तेज हो जाती है, जो वृद्धि 1 से 2 हफ्तों में होती है
वो यहाँ केवल 12 घंटे बिताने में हो जाती है। इससे हमें यह पता लगता है कि कैलाश पर्वत पर समय की गति हमारी धरती की प्राकृतिक गति से अलग है और यहाँ समय की गति बहुत तेजी से बहती है। पॉइंट नंबर 6, कैलाश पर्वत पर ओम की आकृति का उभरना। भगवान शिव जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली और दुनिया के विनाशक हैं, वो स्वयं इस पवित्र कैलाश पर्वत पर विद्यमान है। इसका एक और इशारा हमें मिलता है जब हम इस पर्वत पर ओम की आकृति को उभरता हुआ देखते हैं। जब थोड़ी बर्फ हटती है तब कैलाश पर्वत की दक्षिणी चोटी पर हमें एकदम साफ साफ ओम की आकृति उभरती दिखती है, जिसे स्वयं भगवान शिव का चिन्ह माना जाता है। पॉइंट नंबर 7, क्या कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड जैसा है? काफी समय से दुनिया भर के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कैलाश पर्वत का ऊपरी हिस्सा एक पर्वत का शिखर नहीं बल्कि एक पिरामिड है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही पिरामिड जैसे हम आज मिस्र में देखते हैं। ये सिर्फ कयास नहीं है, जब कुछ साइंटिस्ट ने इसे गौर से देखा तो पाया कि इसकी समरूपता, साइज और शेप बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लगता बल्कि किसी के द्वारा निर्मित लगता है। इसलिए वो मानते हैं कि ये अंदर से एक खोखला पिरामिड है जो अलग अलग 100 पिरामिड से घिरा हुआ है। पॉइंट नंबर 8, क्या कैलाश पर्वत के नीचे कुछ पौराणिक शहर मौजूद हैं? कुछ बौद्ध और तिब्बतन लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे 2 पौराणिक शहर मौजूद हैं, जिनका नाम है अगरथा और संभाला, जो कि बौद्धिक, वज्रयान और तिब्बतन कालचक्र की शिक्षाओं में प्रमुख रूप से शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पौराणिक शहरों में अत्यधिक उन्नत सभ्यताएं रहती हैं। इसी के साथ एक रशियन महिला मैडम ब्लावत्स्की, जो कि बहुत फेमस रहस्यवादी और लेखक थी, उनका भी मानना था कि यहाँ कोई शहर मौजूद है जो गुफाओं के जाल से बना है, जहाँ पर कुछ डेमीगॉड्स, मतलब जो आधे मनुष्य हैं और आधे देवता हैं, वो लोग रहते हैं, जिन्हें वो असुरास कहती थी। पॉइंट नंबर 9, मानसरोवर लेक के एलियन। मानसरोवर ताल के ऊपर बहुत से लोगों ने बेहद ही अजीब तरह की हलचल होने का दावा किया है। कई लोगों ने रात के समय मानसरोवर ताल पर उड़ती हुई कुछ रोशनी के गोलों को देखा है और कई लोगों ने इंद्रधनुष जैसी किसी चीज को भी देखा है। इसी के साथ मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। यह क्लिप कैलाश मानसरोवर की है, जहां पे हमें रात के समय मानसरोवर ताल के ऊपर उड़ती हुई कुछ अजीब रोशनियां दिख रही हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि यह सच में कोई एलियन गतिविधि है या कुछ दैवी शक्ति है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पॉइंट नंबर 10, अघोरी और महाअघोरी। ऐसा माना जाता है कि जहां भगवान शिव होते हैं वहीं अघोर पंथ भी कहीं ना कहीं मौजूद होता है, क्योंकि अघोरियों के इष्ट देव ही महादेव हैं। इसी के साथ हमने हिमालय में ऐसे ही कई अघोरियों को देखा है, जिसमें से मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। ये अघोरी इस बर्फ से ढकी चादर पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, जहां का तापमान -20 डिग्री से भी कम माना जाता है, और इतना तापमान किसी भी व्यक्ति की हड्डियों को जमा देने के लिए काफी है। पर ये साधु केवल एक लंगोट में बैठकर यहाँ तपस्या कर रहे थे। इन्हें यहाँ इंडियन आर्मी ने देखा, पर ये वीडियो कैलाश पर्वत का नहीं है, पर वहां के लोगों ने भी ऐसे ही साधुओं को वहां तप करते देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने वहां महाअघोरियों को भी देखा है, जो बेहद कम दिखाई पड़ते हैं और कद में 8 से 12 फुट के होते हैं और हमेशा काला चौगा ओढ़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जो कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्यों की ओर एक इशारा करती है। आपका इन रहस्य को लेकर क्या मानना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी रहस्य के साथ अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए ड्रेड ड्रैगन चैनल को। धन्यवाद। हर हर महादेव।